हेलो गाइस, वेलकम टू भाई का ज्ञान। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम की हैं। अगर आप इंटरनेट, जो कि आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपके ये सभी की सभी वेबसाइट बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सबसे पहली वेबसाइट है, उसको सर्च करने के लिए आपको सर्च करना होगा गूगल में ओल्ड गेम्स डाउनलोड। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, आपके सामने सबसे पहले ही ऊपर लिख करके आ जाएगा oldgamesdownload.com। इसको हमें ओपन कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब ये इंटरफेस तरीके से आएगा, आपके सामने काफ़ी सारे देखिए गेम्स आ जाएंगे। इनको डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गेम आपको अच्छा लगे या आप जो भी गेम डाउनलोड करना चाहो, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप सेकेंड पेज पे चले जाओगे। पेज पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में देखिए नीचे जो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर एड्स वगैरह आने के बाद, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि जो गेम है वो कितने MB का है। ये सारी चीज़ें आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका गेम डाउनलोड होने लगेगा। तो ये है इस वेबसाइट का कमाल, आप कोई भी पुराने से पुराना गेम यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपनी हमारी जो अगली वेबसाइट है, उसका नाम है म्यूज़िक मैप। अब म्यूज़िक मैप जो है, उसको जब आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो आपके सामने musicmap.com करके एक वेबसाइट आएगी, जिसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब इससे होता क्या है, इसमें किसी भी आर्टिस्ट का नाम, कोई भी एक आर्टिस्ट आपके माइंड में जो हो, उसका नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिस्ट होंगे, उसी के मिलते जुलते वो सभी आर्टिस्ट आपको इस पेज पर दिखा देगा। किस तरीके से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आतिफ असलम सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहले से आ गया है। इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये जैसे सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद ये देखिए आपके सामने काफ़ी सारे, एक मिनट, आपके सामने देखिए काफ़ी सारे ये देखिए आ गए हैं। मतलब सिंगर जितने भी हैं या फिर जितने भी इनसे मिलते जुलते सिंगर हैं, वो कुछ इस तरीके से नाम आ गए हैं। अब अगर किसी भी आप इन पे से किसी भी एक को अगर आप क्लिक करोगे यानी कि सर्च करोगे, तो उनसे मिलते जुलते जितने भी होंगे वो सभी के सभी नाम आपके सामने इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो उस इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। इस तरीके से वेबसाइट ये काम करती है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ। अब ये जो हमारी वेबसाइट है, ये बहुत ही काम की है। जिनके जो भी लोग फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं और अगर वो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये वेबसाइट बहुत काम आ सकती है। उसके लिए आपको सर्च करना है फोटोपिया। फोटोपिया सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर आएगा photopia.com। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसका इंटरफेस नज़र आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, कुछ इस तरीके से का इंटरफेस होगा। जितनी भी यूज़ करने वाली चीज़ें, यानी फ़ोटो एडिट करने के लिए जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो सभी आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएगी। और आपको किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से पूरी की पूरी अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो को आके एडिट कर सकते हो। और ये भी वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। हमारी जो सबसे लास्ट वेबसाइट है, ये आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब आप जब भी किसी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हो या फिर विज़िट करते हो, तो उसमें आपको सबसे पहले जो मांगता है वो आपका ईमेल आईडी मांगता है। जिसके बाद जैसे ही आप उस ईमेल आईडी को एंटर करते हो, जिसके बाद आपके पास बहुत सारे ढेरों मेल आने लगते हैं जिनसे आप परेशान होते हो। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टेम्परेरी मेल डाउनलोड करना है, यानी कि सॉरी टेम्परेरी मेल सर्च करना है। TEMP मेल को सर्च करना है, जहां पर आपको सबसे ऊपर जो वेबसाइट मिलेगी वो है temporarymail.org। उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, तो फिर ये आपको एक टेम्परेरी मेल प्रोवाइड करेगा। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो मुझे एक टेम्परेरी मेल प्रोवाइड हो गया है। अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ भी ऐसे कोई भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
या कुछ भी अगर मैं सर्च करता हूँ या कुछ भी मैं ढूंढता हूँ या कोई भी वर्क करना चाहता हूँ इंटरनेट के ऊपर, और जहाँ जहाँ भी वो मेल को हमें हमसे पूछता है या मेल मांगता है या मेल आईडी को मांगता है, वहाँ पर हम इस मेल आईडी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपनी पर्सनल मेल आईडी को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है मेरे हिसाब से, कि अगर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हैं और हर जगह आपसे मेल आईडी पूछी जाती है, तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कोई भी टेम्परेरी मेल बना करके, यानी बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको टेम्परेरी मेल एक प्रोवाइड हो जाएगी, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।